यवतमाल जिले के दिग्रा शहर में बुधवार की दोपहर शमशान भूमि परिसर के पास मोती नगर में बिगाड़पूर्ण डीपी के शॉर्ट सर्किट से मवेशियों के तबेले में रखा चारा जलकर खाक हो गया। इस घटना से आहता लोगों का गुस्सा महावितरण पर फूट पड़ा है। पेश है दिग्रा से संवाददाता जुबैर खान की रिपोर्ट। मौसम के बदलते मिजाज के साथ ही इन दिनों दिग्रा शहरवासी महावितरण की कार्य प्रणाली से भी परेशान हो चुके हैं। मोती नगर में बुधवार की दोपहर एक तबेले से सटी बिगाड़पूर्ण डीपी से शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। परिसर के युवाओं ने तत्काल इसकी सूचना महावितरण कार्यालय को दी, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी महावितरण के कर्मचारियों ने अपनी लेट लतीफी का सबूत दिया। ऐसे में युवाओं ने हिम्मत दिखाकर पानी से आग को बुझाने का प्रयास किया। शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। अभी आग किस लिए लगी, उसकी वजह एमएससीबी जिम्मेदार है। उसकी वजह यह है क्या, ये डीपी जो है इसका मेंटेनेंस बरसों से हो नहीं पाया। इस डीपी के मेंटेनेंस के लिए हमने बहुत बार कंप्लेंट की। आज जब इस डीपी की वजह से आग लगी तब पूरी एमएससीबी खड़बड़ाकर जागी, नगरपालिका खड़बड़ाकर जागी, लेकिन नगरपालिका को फोन करने के बाद करीबन आधा घंटा होगा, अभी तक नगरपालिका के कर्मचारी फायर ब्रिगेड लेकर यहाँ पहुंचे नहीं। हाँ, नगरपालिका के दो कर्मचारी एक बम्बा जो था गैस का वो खाली लेकर पहुंचे और दूसरे बम्बे में 2 किलो गैस था वो लेकर पहुंचे, लेकिन इतनी बड़ी आग नगरपालिका के कर्मचारियों को शायद पता नहीं कि इन दो बम्बों में जो एक खाली था और एक भरा हुआ उससे बुझी नहीं। आप देख रहे हैं अभी तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची नहीं। मैं नगर से हूं, मैंने मेरे नगरपालिका अधिकारी को फोन किया मांडले साहब को, लेकिन फिर भी अभी तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची नहीं। मेरा एमएससीबी पर और नगरपालिका के कर्मचारियों पर अधिकारियों पर रोष। इसके बाद महावितरण कर्मचारियों ने डीपी में जारी बिजली प्रवाह को बंद किया और मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को काबू में किया। इस दौरान यहां बड़ी संख्या में परिसरवासी इकट्ठा हो चुके थे। गौरतलब है कि दिग्रा शहर में मोती नगर में कई जगहों पर खस्ताहाल डीपीया खतरे का निशान बन गई है। शिकायत करने के बाद भी महावितरण कार्यालय और निजी बिजली कर्मचारी अपनी सुस्त और लेट लतीफी से बाज नहीं आ रहे हैं, जिस वजह से इस घटना के बाद स्थानीय नागरिकों में रोष नजर आ रहा है। हमेशा हम क्लियर बिल भरते हैं, अगर दूसरा तीसरा बिल भी थक जाता है तो ये लोग घर पर आके हमारे बिल वसूल के लेके जाते। अगर हमने बिल नहीं दिए तो ये हमारी बिजली काट देते। इसके बावजूद हम फिर भी बिल भरते और उसके बाद ये डीपी की जो कंप्लेंट करते हैं, हम बार बार जाके डीपी की इतनी खराब गंभीर हालत है कि वहां पर दिन भरे में तो 2 बार ब्लास्ट होता है डीपी के अंदर। बार बार आने के बाद में भी वो कंप्लेंट देने के बाद में भी ओके नहीं करते काम, और सारा हाल पूरे डिग्रस का भी इसी तरीके का है। अगर कोई वहाँ पर बच्चे वगैरह आज होते तो बहुत बुरी दुर्घटना हो सकती थी। एक तरफ जहाँ आग लगने से तबेले का काफी नुकसान साफ नजर आ रहा है और इसके लिए बिगाड़पूर्ण डीपी और महावितरण भी काफी हद तक जिम्मेदार है, वहीं पर्याप्त से ज्यादा जगह का घेराव करने वाले लोग और सड़कों पर अपने वाहन खड़े करने वाले, रास्ते को संकरा बनाने वाले लोग भी इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि जब आग लगने जैसी कोई दुर्घटना घटती है तो फायर ब्रिगेड के वाहन संकरे रास्तों की बदौलत घटनास्थल तक सही से पहुंच नहीं पाते, जिस वजह से दुर्घटना से होने वाले नुकसान से बचना मुश्किल हो जाता है। आज ये जो कुछ भी घटना घटी है इसके जिम्मेदार एमएससीबी के लोग हैं। हम कई बार कंप्लेंट देने के लिए वहाँ पर पहुंचे लेकिन डीपी के ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं, और मोती नगर के जितने भी डीपी आए ये सबके ऊपर में ऐसी प्रॉब्लम चलती है। बार बार शॉर्ट सर्किट होता है, लाइन चली जाती है, वायर टूट जाता है, और हम बार बार फोन लगाते हैं एमएससीबी में तो फोन भी नहीं उठाया जाता हमारा। एनबीसी न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।